जाएगा। बैठना है क्यों पापा, बैठना। वहाँ झगड़ा हो रहा था, देवर को मार रहे थे, बस मार पीट हुए, दारू पी के हुए, तमंचा से मारते पीटते रहे हैं। बस इतने में खूब आके अंदर घुस के आ गए, अंदर गाड़ी कुत्ता बका है, मारा पीटा है। बस बहन बेटियों को गाली देते हैं। बस मोहल्ले में चार लोग थे। क्या हथियार वगैरह भी लिए थे? नहीं, एक हथियार लिए थे और तीन ऐसे थे। सर जी हम बैठे थे तो आया है, आके सीधे मारना शुरू कर दिया गाड़ी रोक करके। अब बस मारते मारते निकाला तमंचा फायर मारने के लिए, तो मैंने जान बचाया, तो तमंचा गिर गया है उसका। तो फिर मैं जान बचा के भागा हूँ तो तमंचा लगे मेरे पीछे भागा है, मेरे द्वारे में तीन फायर मारा है और घर में घुस के मुझे मारे डाल रहा था। मेरे घर में सर जी कोई नहीं था, मेरी माँ थी, मेरी भतीजी थी। जब हल्ला मचा है तो मेरे भाई लोग वहाँ बांधा के तहत, आज शाम की बात है, एक मामूली मारपीट की घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति ने हवाई फायर भी किया और दूसरे पक्ष को चोटें भी आई हैं, उसने मारपीट भी की है। उसके आधार पर जो तहरीर दी गई है पीड़ित पक्ष के द्वारा, उस पर समुचित धाराओं में जिसमें हवाई फायर वाली धारा भी है और मारपीट वाली धारा और 452 जो घर में उसके मारने वाली धारा होती है, ये सारी की सारी धाराओं का समावेश करते हुए मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है। जो ऑफेंडर हैं उनकी तलाश जारी है, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करवाई।